आज आपके लिए लाए हैं ट्वेल्थ एग्जाम के लिए मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मंगल का चरित्र चित्रण कीजिए इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नीचे का जो 5 क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। जाने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं, मंगल का चरित्र चित्रण जानेंगे। इससे जानने से पहले हम नीचे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सोल्यूशन जान लेते हैं। जो पहला सवाल है यहाँ पे, फल्गु चौधरी जुम्मन से किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 1, फल्गु चौधरी और जुम्मन से किस कहानी का पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर और इनका राइटर है पंच परमेश्वर का प्रेमचंद। और राइटर लेखक और राइटर का नाम नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे है यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी रचयिता कहानी में भौकोलिया के प्रति क्या कहना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जो राइटर है इनके चैप्टर का नाम है मंगल, और मंगल एक किसान था, बहुत ही मेहनती किसान, इसी के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। मंगल के पत्नी का नाम था बकुलिया, तो पति का नाम होगा मंगल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है, या किस पार्ट से है? ये है थुरथुरता हुआ गंतव्य, जिनके राइटर है हरिशंकर परसाई। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है, इसका आंसर होगा थिथुरता हुआ गणतंत्र और इनके राइटर है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा के बिगाड़ के डर से ईमान की बात का कहे? क्वेश्चन नंबर 4, या किट किस पाठ से है? यह पाठ है पंच परमेश्वर, जिनके राइटर है इसको पहले ही बताया है प्रेमचंद। उसके बाद यहाँ पे गेहूं और गुलाब के राइटर कौन है, यानी बंदरकार का नाम क्या है? गेहूं और गुलाब जो है इनके राइटर का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जो मंगल है उनका ही राइटर है राम वृक्ष बेनीपुरी, और गेहूं और गुलाब उनका ही चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि आपका मुख जो राम वृक्ष बेनीपुरी के मुख कौन कौन निबंध है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, थिथुरता का गणतंत्र के रचनाकार कौन है? इस पहले ही बताए थे इनके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। और इसके बाद हम जानेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्यूशन के बारे में, चलिए देख लेते हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह से लिखा है, मंगल का चित्रण कीजिए। देखिए जो भी लिखना है आप जो है लिख दीजिए, जैसे कैसा लिखा है। मंगल एक बहुत ही परिश्रमी किसान था, आप इस तरह से लिख सकते हैं या यह भी लिख सकते हैं, एक भी पढ़ लीजिए अपना से लिखेगा ना बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप राइटिंग पर ध्यान दीजिए, राइटिंग बहुत मायने है आपके लिए। उसके बाद मंगल का एक स्वाभिमान व्यक्ति था जो इसमें लिखा है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नीचे तक कर देते हैं, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, और नीचे तक यहाँ तक दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और एक बार चैप्टर भी पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, 10 रुपए का या 12 रुपए का है, बहुत ही कम उसका प्राइस है, और बहुत उससे आपको 25 मार्क्स का जो बुक से आएगा कंफर्म आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार या 2 बार। और चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। और अब तक नहीं जानते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है सब चैप्टर के नेम और राइटर के नेम और जन्म तिथि और कहाँ के रहने वाले हैं, यह भी पूछा जाता है। और इसे दिया हुआ है देख लीजिए एक बार, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, और यह भी पूछा जाता है कि वो बैल को महादेव कौन मानता था? ये मंगल जो था वो अपने जो उनके बैल थे वो अपने बैल का साक्षात महादेव मानता था। और इस कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मतलब परिश्रमी किसान था, लेकिन बहुत ही घमंड उसको था कि हम बहुत किसी से कम नहीं है एटीट्यूड था। और उसकी पत्नी का जो उसकी पत्नी थी भकोलिया, और उसको खाने के 1.5 रोटी मिलता था, तो उसमें एक आधा रोटी में से 2 टुकड़ा करके अपने बैल को खिला देता था और 1 रोटी वो खाता था। कहानी यही है और गांव में से कोई मतलब अनाव संदाव नहीं कहते थे, बोलते नहीं थे,
कि मतलब दूसरे जैसा, क्योंकि वो बहुत मेहनती था और दूसरे कोई मतलब दस एक दिन में दस कट्ठा खेत जोतते थे अपने बल से, लेकिन वह एक दिन में 15 कट्ठा जोतता था। इसलिए वो बहुत ही मतलब अपने गांव का मेहनती व्यक्ति था। यही एक कहानी है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अब राइटिंग पर ध्यान दीजिए। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ चैप्टर के नेम और राइटर का नेम देख सकते, और कॉमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मॉडल पेपर सोल्यूशन नहीं देखें तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।